साथियों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 5 जुलाई और टाइम वाला दिन के 1:30 बज रहे हैं। आज जो मैंने शेयर चूज़ किया है वो है एंड्री यूल एंड कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है और बेसिकली इसके अंदर अभी भी अप बाइंग है या इसके अंदर और भी अप ट्रेंड बाकी है कि इसमें सही समय इन्वेस्ट करने का, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आज ही ओपन होता है, लाइव मार्केट है, आज ही ओपन होता है 2885 पे, हाई मारता है 2975, लो मारता है 2870, यानी 2% की 2.5% तेज़ी के साथ आज ये ट्रेड कर रहा है। और इसका 52 हाई है 3390 और 52 लो है 11.85। तो देख लेते हैं कि भाई इसका चार्ट क्या कह रहा है। और कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग चल रही थी कि देखते हैं, मैं आपको कंपनी के पहले वेबसाइट पर ले जाता हूँ। ये कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी वर्किंग क्या है, इंजीनियरिंग की डिवीज़न में है और ये अपना चाय पत्ती बनाती है, टी के अंदर है और अपना ये इलेक्ट्रिकल में भी है, यानी कि तीन वेंचरों में काम करते हैं कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर की। और 1863 से रनिंग में कंपनी, तो डेफिनेटली इसमें अच्छे मूव आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर अब ग्रो करने पर आ चुका है। तो ये मैंने बताया था ना, कल भी आपको वीडियो में बताया था कि भाई जो अब है मिड कैप स्मॉल कैप का ट्रेंड चालू हो गया, क्योंकि लार्ज कैप ने अपनी भागीदारी दिखा दी मार्केट निफ्टी ऊपर ले जाने में। अब स्मॉल कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप का रनिंग का एरिया है, रनिंग कैप ये भागेंगे अब। तो अब देखते हैं भाई एंड्रयूल के अंदर क्या ऐसा क्या था, देखते हैं भाई इसका ईयरली रिजल्ट आया था जो, तो देखिए इसमें ईयरली जो रिजल्ट आया था अभी इसका, इसने 38% प्रॉफिट किया था, यानी पिछले साल से 2020 के अकॉर्डिंग ये 2021 में इसने 57 करोड़ रुपये प्रॉफिट अर्न किया था और 38% अप था। यार देखिए ये ईयर वाइज क्योंकि 2020 में माइनस में था, लॉस में था, अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आ गई है, इन द फ्यूचर अब भी प्रॉफिट मेकिंग आई क्योंकि गवर्नमेंट वेंचर गवर्नमेंट एक्टिव है अपने सेक्टर को बचाने में और एक्टिव है अपने सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दे रही है गवर्नमेंट। देखिए चाय पत्ती का बिजनेस डेफिनेटली चल रहा है, चाय पत्ती हो गई, बिजली की खपत कभी ख़त्म नहीं होगी, चाय पत्ती की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और इंजीनियरिंग यानी कि डिवाइसिंग बनाने का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एंड्रयूल के मैं चार्ट पे जाता हूँ, मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 रुपये से सपोर्ट लेकर है, 26 रुपये से ये अप ट्रेंड की तरफ चालू हो चुका है, इसमें देखिए वाला पैटर्न बन चुका है, तो डेफिनेट इसमें बाय करिए। और ये देखिए अप ट्रेंड की तरफ तैयार हो चुका है यहाँ पे, ये क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, ये 26 रुपये पर इन्हें करेक्शन लिया है, 26 रुपये के बाद ये फिर से अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है, तो डेफिनेट इसमें बाय करिए। इसका RSI भी अप ट्रेंड की तरफ चालू हो चुका है, देखिए अब RSI भी 50 से ऊपर हो चुका है और MACD भी इसका अप ट्रेंड की तरफ तैयार हो क्रॉस करेगा ये, ठीक है। तो इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो ये वीकली चार्ट के अंदर देखिए ये वीकली चार्ट ओपन हो गया है इसका, ये वीकली चार्ट में देखिए अप ट्रेंड है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है, तो डेफिनेट इसमें बाय के लिए पेशेंस के साथ होल्ड करिए। मेरे टारगेट इंटरडे के नहीं होते, लॉन्ग टर्म के पर्पज से देता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो पहला टारगेट आएगा, इसका मेरा पहला टारगेट इसके अंदर आएगा, ये देख लेते हैं पहले, मैं इसका देखता हूँ कि भाई ये देखिए मेरा पहला टारगेट इसमें 35 रुपये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा 40 रुपये, दो टारगेट के साथ इसे अचीव करिए और ये देखिए ये यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है। तो एंड्रयूल के अंदर आपको डेफिनेटली बाय करिए, बाय के साथ आप वेट करिए, होल्ड रखिए और पेशेंस के साथ। इसमें पहला टारगेट मेरा 35 रुपये, दूसरा टारगेट मेरा 40 रुपये। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।